नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी ने भोपाल में रैली का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 1984 सिख दंगों के दोषी कमलनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और वो मध्य प्रदेश में कुशासन दे रहे हैं। कमलनाथ के सत्ता की डोरी हिल रही है, ये कुछ दिन की चांदनी है। राकेश सिन्हा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब ये लोग वंदे मातरम भी बोल रहे हैं और भगवा की जय भी कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी ने भोपाल में विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में आए बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 1984 सिख दंगे के दोषी कमलनाथ मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, भोपाल की जनता ये सब देख रही है। राकेश सिन्हा ने कहा कि कमलनाथ के लाखों प्रयास के बाद भी यहां लोग सीएए के समर्थन में आए हुए हैं। ये समर्थन सिर्फ सीएए का नहीं है, सिख दंगों के विरोध में भी ये जनसैलाब है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों को यह कानून नागरिकता देगा। आए दिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसियों की जनसंख्या कम हो रही है। इन लोगों को या तो मार दिया जाता है या फिर जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है। कमलनाथ सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद आज हजारों लोग आए हैं। कमलनाथ जी चाहे जहां भी बैठे हो, अपनी दोनों आंखों से देख लें ये जन सैलाब क्या कहना चाहती है। यह जन समर्थन सिर्फ सीएए के पक्ष में नहीं है, भोपाल में 84 के दंगा का गुनाहगार मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसे भी चेतावनी है। जनता इतनी भोली भाली नहीं है क्या? संविधान के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता को बहुत दिनों तक मौन रख सकते हैं। 84 के दंगे का भूत आपके पीछे खड़ा है। दिल्ली और हिंदुस्तान में नृशंस हत्या करने के दोषी कमलनाथ आज जिस प्रकार के कुशासन दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से यहां लोगों की तबाही मचा रहे हैं, मध्य प्रदेश की आम जनता राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, यह देश जय प्रकाश नारायण का है, यह देश नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का देश है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनकी सत्ता की डोरी हिल रही है, यह कुछ दिनों की चांदनी है, फिर उनकी अंधेरी रात आने वाली है। अब भारत माता का जय तो राहुल गांधी भी करने लगे हैं। जब भाई को देखा भारत माता की जय करने, तो बहन को लगा कि अब कांग्रेस की रस्ती तो उनके हाथ में आएगी नहीं, तो वो भगवा की जय करने लगी हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, ये बलात्कार की घटना ने हिंदुओं के इज्जत आबरू पर जो बड़ा प्रहार किया है, उसका निदान नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीएए के द्वारा दिया है। जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान बांग्लादेशी के बलात्कारियों के समर्थन में, तालिबान के समर्थन में खड़े हैं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार क्या है वो सोचे जो हमारी परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं। सीए के समर्थन में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस कानून से हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। यह कानून देश हित में है और इससे किसी भी दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आए दिन देश के पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सीएए कानून, नागरिकता संशोधन बिल जो ये संसद में लाया गया था, और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने संसद में बार बार बताया, जितने भी विपक्षी हमारे नेता हैं, जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं द्वारा, उनके सांसदों द्वारा बार बार पूछा गया, उनका बार बार जवाब देने के बाद भी उन्होंने देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, हिंदुओं के विरोध में बिल है, एससी एसटी के विरोध में बिल है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है।
मुस्लिम देशों में मुस्लिमों को शरण दी जाती है, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को शरण नहीं दी जाएगी, सिख को देंगे, ईसाई को देंगे, और जो भी प्रताड़ित लोग हैं उनको सबको हम भारत की गोद में शरण देंगे और यहाँ पर जो उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। इसके लिए ये कानून आया, पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। और जिनको लग रहा है क्या वो लोग घुसपैठिए हैं, भारत के मुस्लिमों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भारत के मुस्लिम है, देशभक्त मुस्लिम है, राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, तो फिर इस राष्ट्र से कैसा द्वेष। आप कोई शरणार्थी तो हो नहीं जो आपको चिंता करने की जरूरत है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।